नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम nth ऑर्बिट का एनर्जी, जैसा यहाँ पर गिवन है nth ऑर्बिट का एनर्जी देखें, तो En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ओके, नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, सी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन है एटम रेडिएट एनर्जी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर नेगेटिव आता है, ऐसा सिस्टम बाउंडेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में बी करेक्ट ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से भी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है पर नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल गलत है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होते हैं, ऐसे सिस्टम बाउंडेड सिस्टम होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास में एक और है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो नेगेटिव होती है, वो बाउंडेड सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।